हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। ये दिसंबर 2010 में ये आयोजित किया गया था, पेपर सेकंड है। ठीक है, इसमें कुल 50 प्रश्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट 50 प्रश्न है। देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हम संस्थाओं से नहीं परंतु एसोसिएशन समितियों से संबद्ध होते हैं, यह किसने कहा है? संस्थाओं से नहीं एसोसिएशन से संबंधित होते हैं, ये बात किसने कही है? तो यह बात कही है मैकाइवर ने। ठीक है, मैकाइवर कहते हैं हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। प्रश्न नंबर दो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें। लोगों को कूटों की सहायता से उसमें उत्तर देना है। पहला, देखिए, सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है, इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जाता है, सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब सामाजिक स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था होता है, बंद व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है, ये खुली व्यवस्था इसलिए सही है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, ये बात भी गलत है। वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये बात सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी और डी सही होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर तीन है कि किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? तो जब कोई पूर्व अपराधी सामाजिक मानकों का अनुपालन पुनः करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, असामाजीकरण। तो ऐसे ऐसे चीज ऐसे मामले में जब पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किया जाता है तो उसे पुनः समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, पुनः समाजीकरण मीन्स रीसोशलाइजेशन। ठीक, प्रश्न नंबर चार देखते हैं कि सूची सामाजिक परिदृश्य के जांच पड़ताल की पद्धतियां, ये कुछ दी गई हैं। सामाजिक परिदृश्य के जाँच पड़ताल की पद्धतियाँ दी गई हैं सूची वन में, और सूची दो में लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम लोगों को बताना है। अब देखिए, तर्क प्रयोगात्मक, द्वंद्वात्मक, आदर्श प्रारूपिक, प्रकार्यात्मक। ठीक है, तर्क प्रयोगात्मक, द्वंद्वात्मक, आदर्श प्रारूपिक, प्रकार्यात्मक। सूची दो में दुर्खीम, पैरेटो, मार्क्स, वेबर। ठीक है, तो ये जो द्वंद्वात्मक है ये मार्क्स से संबंधित है, और आदर्श प्रारूप जो है वो बेवर से हो गया। ठीक है, प्रकार्यात्मक से दुर्खीम हो गए, और तर्क प्रयोगात्मक जो है वो पैरेटो से संबंधित है। तो इस तरीके से ए का टू, बी का थ्री, ए का टू, बी का थ्री, सी का फोर, डी का वन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं कि समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है, हमें बताना है कि समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, रेड इंडियंस, मुरिया, अंडमान आइसलैंडर्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो रेड इंडियंस, मुरिया, अंडमान आइसलैंडर्स, ये सभी समुदाय हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समुदाय नहीं है, ये एक संघ है। सूची वन और सूची दो को साथ सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से, और अपने सही उत्तर को हमको चयन करना है। देखते हैं इसमें कि उपसंस्कृत, विपर्य संस्कृत, संस्कृत का वाहक और संस्कृत टकराव, हिप्पी, भाषा, सेना, अयोध्या मंदिर आंदोलन। ठीक है, तो अब उपसंस्कृत और विपर्य संस्कृत, विपर्य संस्कृत सबसे पहले इसी को देखते हैं। विपर्य संस्कृत हिप्पी, हिप्पियों की संस्कृत जो है वो विपर्य संस्कृत होती है। संस्कृत का वाहक जो होता है वो भाषा होती है। ठीक है, और संस्कृत का जो टकराव है वो अयोध्या मंदिर आंदोलन से संबंधित है, इसलिए उपसंस्कृत जो हो गई वो सेना हो गई। ठीक है,
तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ए थ्री और बी का वन, ए थ्री बी वन सी टू और डी फोर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर सात देखते हैं कि अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सात है, समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजमिति सोशियोमेट्री का प्रयोग सर्वप्रथम लुंडबर्ग, मोरेनो, वोगार्डस, वर्गेस। मोरेनो ने किया, जे एल मोरेनो। इसमें सामाजिक दूरी और घनिष्ठता की माप की जाती है। प्रश्न नंबर आठ देखते हैं, बेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, पहचानना है। ठीक है, जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन, तर्कड़ापरक। सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया का जो उन्होंने जो प्रकार बताए हुए हैं वेबर, वेबर ने, वो हमको बताना है कि कौन कौन से इसमें है और कौन से नहीं है। तो इसके यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन में, डेमोक्रेटिक, ट्रेडिशनल, इवेल्युएटिव, रेशनल। ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ट्रेडिशनल, इवेल्युएटिव, रेशनल है। अब क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, यहाँ पर जनतांत्रिक, जनतांत्रिक उन्होंने अपने उसमें प्रारूप विज्ञान में नहीं बताना, अपनी सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं बताया है, पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कड़ापरक तीनों बताया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्कृत का तत्व, अगला प्रश्न है, संस्कृत का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताना है हम लोगों को संस्कृत का तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, परिवार, मूल्य, पोशाक, व्यवहार के ढंग। तो जो संस्कृत का तत्व होता है वो मूल्य है, पोशाक है, व्यवहार के ढंग है, परिवार नहीं आता उसमें, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, नाइन्थ का ए। प्रश्न नंबर दस है, धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए, नीचे दिए कूटों से सही अवलोकनों का चयन करें। ठीक है, कुछ अवलोकन, कुछ दुर्खीम ने जो अपनी धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या की थी, दुर्खीम को उसमें से कुछ फाइंडिंग्स मिली थी, कुछ अवलोकन किया थे, उसके आधार पर उन्होंने कुछ अपनी बातें कही थी धर्म के संबंध में, वो क्या है? धर्म एक मानसिक रोग है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है और परलोक का राज गौरवान्वित समाज है। तो धर्म एक मानसिक रोग है, यह बात दुर्खीम ने नहीं कही है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु, उन्होंने समाज को महत्व दिया है, समाज को, और समाज को ही वास्तविक देवता माना है, इसलिए वी सही होगा, और कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है ये बात भी वो नहीं कहते हैं, और परलोक का राज गौरवान्वित समाज है ये बात वो कहते हैं। तो बी और डी, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि प्राथमिक समूह का उदाहरण, प्राथमिक समूह बताना है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ये बात है नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, पास पड़ोस, स्कूल, मित्रों का समूह, भारतीय स्टेट बैंक। तो कूले ने जो अपनी प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी उसमें जो है वो परिवार, पास पड़ोस और क्रीड़ा समूह, स्कूल भी आ जाएगा उसमें, क्रीड़ा समूह के बाद स्कूल भी आ जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक प्राथमिक समूह में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 11 का डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, राज्य को बताना है कि किसका उदाहरण है, प्राथमिक समूह, समुदाय, समित, सरकार। तो राज्य निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, राज्य को समुदाय माना जाता है, कहीं कहीं समित भी मानते हैं, लेकिन यूजीसी ने अपने इस ऑप्शन में समुदाय माना है राज्य को। ठीक है, इसलिए समुदाय इसमें सही है। प्रश्न नंबर 13, समूहों का अंतः समूह और वाय समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, अंतः समूह और वाय समूह में किया था, तो किया था टॉनीज, कूले, होमेन, समनर, समनर ने किया था। प्रश्न नंबर 14 है कि परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया है, 6 वर्गों में जो परिवार का विभाजन है वो किसने किया है, वो 6 विभाजन कौन कौन से देख लेते हैं, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। ये 6 विभाजन है, ऑप्शन आपके सामने है, मैकाइवर, आगवा, नियम, निमकाव, जी एच स्प्राउट, अर्नाल्ड ग्रीन। तो ये परिवार का जो 6 विभाजन है इसको किया था
आगबन और निमकाफ ने। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है। ऑप्शन आपके सामने है, हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, आर एम मैकाइवर, एच एम जॉनसन। तो जो ज्ञात पूर्वज और दत्तक पुत्रों के आधार पर जो रिश्तेदारों के समूह बनते हैं उनको हिंदू संयुक्त परिवार में जो शामिल किया था वो हेनरी मैन ने किया था। प्रश्न नंबर 16 है, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। नातेदारी के प्रथम महत्वपूर्ण, तो ये ऑप्शन आपके सामने, टेलर, मॉर्गन, मैलिवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। तो नातेदारी का जो अध्ययन का प्रथम महत्वपूर्ण योगदान है वो मॉर्गन ने की दिया है। ठीक है, किनशिप में इनका बड़ा अच्छा काम है, इन्होंने सबसे पहले नातेदारी पे काम किया था। नंबर 17 देखते हैं कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ भी सही उत्तर का चयन कूटों की सहायता से करना है। देखते हैं कि फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, और बी है किनशिप एंड मैरिज, सी है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, डी है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। ऑप्शन आप इधर है, राविन, लेखक का नाम है राविन फॉक्स, जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, टी एन मदान और सी बी लेवी स्ट्रास। तो फैमिली एंड किनशिप ऑफ पंडित्स ऑफ कश्मीर ये लिखा है टी एन मदान ने। ठीक है, यहाँ ए टी एन मदान हो जाएंगे, ये और लिख दिया हमने यहाँ पे टी एन मदान। किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज देखते हैं अभी, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप ये लिखा है सी लेवी स्ट्रास ने, सी लेवी स्ट्रास ने लिखा हुआ है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन लेक्चर, ठीक है, ये जो फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर है ये लिखा है जी एस घुरिये ने लिखा है। तो किनशिप एंड मैरिज जो है वो लिखा है राविन फॉक्स ने। इस तरीके से ए का फोर, बी का वन और सी का फाइव और डी का टू। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। कारण क्या है? कि कारण है जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है, जाति में क्षेत्रीय आधार नहीं होता है, उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। तो इसलिए जो है ये कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये बताना है हम लोगों को। संस्कृतिकरण, एम एन श्रीनिवास, लघु एवं बृहद परंपरा, मैकम एवं मैरिट और ब्राह्मणीकरण, अयप्पन, संकुचितीकरण, एफ जी वेले। संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवास सही है, ठीक है, और लघु एवं बृहद परंपरा ये भी जो है मैके मैरियट का ये भी सही है, संकुचितीकरण एफ जी वेले, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1, 2, 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें, जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति बंद सावी स्तरीकरण है, जाति समानता का चरम रूप है,
जात सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्तरीकरण की। जात एक बंद व्यवस्था है, वह जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है। जात समानता का चरम रूप है। जात सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्तरीकरण के। ये हायरार्की की बात करते हैं लुई ड्यूमा, ठीक है, डी का फर्स्ट। अब देखते हैं कि जाति बंद व्यवस्था है, जाति को बंद व्यवस्था माना है मैक्स वेबर ने। जाति समानता का चरम रूप है, ये बात कहते हैं गुर्नार मिडल, ठीक है। तो जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है, ये हो जाएगा फ्रेडरिक वेली। तो जाति बंद व्यवस्था है ए का फोर, ए का फोर, बी का फ्रेडरिक वेली, तो बी का फ्रेडरिक वेली, बी का थ्री इसमें मिल रहा है, और सी का जात समानता का चरम रूप है गुन्नार मिडल, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी का टू और डी का वन, जात सोपान क्रम की अभिव्यक्त है बजाय स्तरीकरण की लुई ड्यूमा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 21 भी सूची का मिलान करना है। देखते हैं सूची वन को सूची टू से मिलाते हैं। शुद्धता प्रदूषण का विरोध सूची वन में दिया गया है, सूची टू में जनजाति कृषक सांतत्य दिया गया है, गुणारोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण दिया गया है, ठीक है। इधर दिया गया है एस सिन्हा, सुरजीत सिन्हा, लुई ड्यूमा, मैके मैरियट और एम एन श्रीनिवास, ठीक। तो शुद्धता प्रदूषण का विरोध जो किया है वो किया है लुई ड्यूमा, शुद्धता एवं प्रदूषण की बात किया है उन्होंने, ठीक है। और जनजात जात कृषक सांतत्य ये जो बात कही है वो सुरजीत सिन्हा ने की है, सुरजीत सिन्हा। अब गुणारोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण ये बात जो है वो मैके मैरियट का है ये। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होगा ए का टू और बी का वन और सी का थ्री, टू वन थ्री, टू वन थ्री, टू वन थ्री, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 प्रश्न नंबर 22 है कि समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, विभिन्न अवस्थाओं से एक और गुजरती है, उनको ठीक तरह से व्यवस्थित करना है इन कूटों की सहायता से। देखते हैं कैसे हैं। पूर्वाभासी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और किशोर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है, वो शिशु होता है, ये वन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, शिशु के बाद वो बच्चा बनता है, ये टू हो गया। शिशु के बाद बच्चा होता है और बच्चे के बाद जो है वो किशोर बन जाता है, ये तीन बन गया, और उसके बाद जो है वो बड़ा होके प्रौढ़ बन जाता है, ठीक। और उसके बाद प्रौढ़ होने के बाद वो पूर्वाभासी, तो ये पांच हो जाएगा। अब आपका इसका मतलब क्या हो गया, सी बी सी बी ई सी बी ई डी ए सी बी ई सी सी बी ई डी ए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है सामान्यीकृत अन्य, ये सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है समुदाय, मित्र, साथी समूह, अभिभावक। तो जनरलाइज अन्य जो है ये जनरलाइज अदर्स जो बात कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज अदर सामान्यीकृत अन्य जो है ये कम्युनिटी समुदाय होगा। प्रश्न नंबर, तो सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण जो है वो समुदाय है। प्रश्न नंबर 24 है सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक और त्रिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है, ठीक है। सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड, ये बात किसने कही है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं एल एच मॉर्गन, ई वी टेलर, इमाइल दुर्खीम, एच स्पेंसर, तो ये बात कही है स्पेंसर ने,
ये विभाजन स्पेंसर का है। देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या है। समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन और निरपेक्ष परिवर्तन। ठीक है, तो ये जब समाज के अधिकांश सदस्यों के बिना जाने हुए कोई परिवर्तन होता है तो उसको लेटेंट चेंज कहते हैं, लेटेंट चेंज। ये प्रच्छन्न परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है, ये बताना है कि हमको चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है। आपके सामने है स्पेंसर, टाइनवी, लिप्सेट, हाफहाउस। तो स्पेंसर इससे संबंधित नहीं है, टाइनवी इससे संबंधित हैं, लिप्सेट भी चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं, हाफहाउस सरल रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं, ये भी नहीं। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही होगा, स्पेंसर और हाफहाउस। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक जो है वो इसका ऑप्शन देते हैं, सूची एक का चक्रीय, रैखिक, उतार चढ़ाव, सर्पिल। चक्रीय, रैखिक, उतार चढ़ाव, सर्पिल। और इधर कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं, वीको, सोरोकिन, स्पेंगलर और स्पेंसर। ठीक है, अब जो चक्रीय सिद्धांत है उससे कौन संबंधित है, तो चक्रीय से स्पेंगलर संबंधित हैं। और रैखिक जो सिद्धांत है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है वो स्पेंसर ने वो रैखिक सिद्धांत बोला है। और जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव कहते हैं ना, वो पेंडुलम की भाग जो है सोरोकिन इस बात को कहते हैं। और सर्पिल बीको का हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाप्त होता है। फिर से इसको पढ़ते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जब भी प्रश्न आपको समझ में ना आए तो उस प्रश्न को 2-3 बार आपको पढ़ना चाहिए आराम से, इसलिए प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, इसलिए प्रश्न को बड़ी ही सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ ही समाज बिरले ही समाप्त होता है। अब इसके साथ में हमको बताना है, इसके बजाय यह समाज बिरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन के आधार पर हमको कूट का चयन करना है। ठीक है, हाँ, यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, अपने को विश्रृंखलित कर सकता है, अपनी पहचान को बदल देता है। फिर से पढ़ते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाप्त होता है। ठीक है, इसके बजाय समाज समाप्त नहीं हो रहा है, अगर प्रकार्यात्मक बिखराव होता है तो समाज समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, वह यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। बिल्कुल ठीक है, और अपने को विश्रृंखलित कर सकता है, नहीं, और अपनी पहचान को बदल देता है, ये भी नहीं है। ठीक है, यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने का, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर ऑप्शन 1 और 2, यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। वन और टू ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नांकित में से कौन सा
मेलिनोवस्की के सोपानिक क्रम में, अब मेलिनोवस्की ने जो अपना सोपानिक क्रम की व्यवस्था में तीन अस्त्रों के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। अब उसमें हम प्रश्न ऑप्शन देखते हैं कि प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविकीय व्यवस्था। उसमें तीन चीजें बताई, प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था और जैविकीय व्यवस्था। व्यक्तित्व व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं कि खोजपूर्ण जांच के यूजीसी नेट के जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें जो शब्द हैं वो बड़े क्लिष्ट होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से और कभी कभी ना समझ में आए तो आपको इंग्लिश वर्जन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पढ़ते हैं इसको कि खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं प्रश्न नंबर 30 का, हु लेट डाउन द डिस्टिंक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल एंड फंक्शनल टाइप्स ऑफ इंक्वायरी। अब देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल एंड फंक्शनल टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक, ठीक है। तो यह बात करते हैं दुर्खीम। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 30, ठीक है। खोजपूर्ण जांच के मतलब जो रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच में भेद किसने किया है, ऑप्शन रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मल्टन। तो दुर्खीम ने किया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, 31, यह भी सूची है, सूची का मिलान करना है। सूची वन में है भावनात्मकता, भावनात्मक तटस्थता, प्रसरण विशिष्टता, सार्वभौमिकता विशिष्टतावाद, उपलब्ध प्रदत्तनीय, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सूची दो में क्या है कि क्या कर्ताओं का मूल्यांकन एक समान मानकों के संबंध में किया जाना चाहिए, क्या उपलब्ध अथवा प्रदत्त के संबंध में कर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए, अंतःक्रिया में उपयुक्त भावनात्मक अभिव्यक्त, संबंध में उपयुक्त दायित्व। पार्सन्स ने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग इस सूची का मिलान करते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अफेक्टिविटी, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, डिफ्यूजनेस, स्पेसिफिसिटी, यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म, अचीवमेंट, एस्क्रिप्टिव, वेदर एक्टर्स बी असेस्ड टर्म्स ऑफ सेम स्टैंडर्ड्स, वेदर एक्टर्स बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ एस्क्रिप्शन, अप्रोप्रिएट इमोशनल एक्सप्रेशन इन द इंट्रैक्शन, अप्रोप्रिएट ओब्लिगेशन इन ए रिलेशनशिप। ओके, देखते हैं यहाँ कि भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थता, प्रसरण विशिष्टता, सार्वभौमिकतावाद विशिष्टतावाद, उपलब्ध प्रदत्तनीय, ठीक है। तो उपलब्ध और प्रदत्तनीय, यह बात जो है क्या उपलब्ध अथवा प्रदत्त के संबंध में कर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये डी का दूसरा, ये। और इसके बाद हमारा आता है कि सार्वभौमिकता और विशिष्टतावाद, क्या कर्ताओं का मूल्यांकन समान मानकों के संबंध में किया जाना चाहिए, ये कि वो उनका मूल्यांकन जो है वो यूनिवर्सल के रूप में किया जाए कि व्यक्ति विशिष्ट विशिष्ट पर उसमें उनके गुणों के आधार पर किया जाए। तो ये सी का पहला। इसी तरीके से देखें तो भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थता और प्रसरण और विशिष्टता, प्रसरणता और विशिष्टता, तो प्रसरणता और विशिष्टता जो है बी का ये चौथा, संबंध में जो है वो उपयुक्त दायित्व, और भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थता हो जाएगा ए का तीन, अंतःक्रिया में उपयुक्त भावनात्मक अभिव्यक्त। इस तरीके से हम लोग सूची का मिलान करते हैं। अब देखते हैं कि ए का 3, बी का 4, ए का थ्री बी का 4, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका एक भी मिल गया तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि कौन सा
हमारा सही आंसर जा रहा है। तो इस तरीके से हमने सी का पहला सार्वभौमिकता और विशिष्टतावाद, क्या कर्ताओं का मूल्यांकन एक समान मान, तो और डी का दूसरा उपलब्धि प्रदत्तनीय, क्या उपलब्ध अथवा प्रदत्त के संबंध में कर्ताओं का मूल्यांकन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कभी कभी ये ऐसे शब्दों को घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आपको बहुत देर तक तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि टालकट पार्सन्स के निम्नांकित प्रकार्यात्मक आज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है। ठीक है, टालकट पार्सन्स ने जो अभी हम लोग टालकट पार्सन्स का ये भी हल कर रहे थे कि निम्नांकित प्रकार्यात्मक आज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न, ये प्रतिमान जो उन्होंने बताया है वो प्रतिमान को कायम रखने और तनाव प्रबंधन के साथ संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रच्छन्नता। ये प्रच्छन्नता का मतलब है लेटेंट, लेटेंट पेन ठीक से चल नहीं रही है, लेटेंट। तो ये यही जो प्रच्छन्नता, यही जो लेटेंट है, यही प्रकार्यात्मक जो इसमें होता है वो पैटर्न को कायम रखना और तनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, रॉबर्ट के मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, रॉबर्ट मर्टन ने व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, विविध एवं विभिन्न, इसके साथ किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि रॉबर्ट मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मत के विभिन्न एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, इसके किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रकार्यात्मक एकता, ठीक है, उसके साथ संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है कि क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए उपयुक्त होता है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है, उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित प्रकार की क्रियाओं में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने, साधन लक्ष्य युक्त युक्तता पर आधारित क्रिया, उपयोगिता युक्त युक्तता पर आधारित क्रिया, भावनात्मक क्रिया, पारंपरिक क्रिया। क्रिया का निर्धारण उसके अपने लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास दे, अब ये बात जो है उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है। ठीक है, ये उपयोगिता को फोकस कर रहा है, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उपयोगिता के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उपयोगिता युक्त युक्तता पर आधारित जो क्रिया होती है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 कि निम्नांकित में से परेटो के अतार्किक, ठीक है, क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं, अतार्किक क्रिया की बात कर रहे हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अतार्किक क्रिया जो उन्होंने परेटो ने अपनी बात की थी उसमें कहा था कि जो भी हम धारणा बनाते हैं और व्यवस्था बनाते हैं वो हमारे गहरे मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है। आई और मी का भेद बताना है, जो मीट का सिद्धांत है। आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है
और मी को पुरातन समाज में, आई को आधुनिक समाज में और मी को पुरातन समाज में। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है और मी में नहीं। आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। यही ऑप्शन सही है, जो मीट कहते हैं कि आई क्या है, आई है दूसरों के प्रति तुरंत प्रक्रिया, जो भी दूसरे लोग व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार को देख के समझ कर जो जो रिस्पांस दिया जाता है वही आई है, ठीक है। और मी मी दूसरों की अभिवृत्तियों के साथ में अपना समायोजन कर लेना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37, निम्नांकित में से कौन सा दुर्खीम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, दुर्खीम का प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है, समाज को उसके संगठक भागों में अपघटित किया जा सकता है, व्यवस्था के भाग पूर्ण की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं, व्यवस्था सामान्य केवल तभी होती है जब संतुलन को बनाए रखा जाता है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल थ्योरी ऑफ दुर्खीम। सोसाइटी कैन बी रिड्यूस्ड टू पार्ट्स, सोसाइटी कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है, ये सही बात है। सिस्टम पार्ट्स फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द होल, समग्र का जो सिस्टम पार्ट्स होता है वो उसके बेसिक नीड्स को पूरा करता है। सिस्टम कैन बी नॉर्मल, सिस्टम नॉर्मल तभी रह सकता है जब इक्विवेरियम इज मेंटेन, ये भी बात सही कहते हैं, ये बात नहीं कहते हैं रिड्यूस्ड पार्ट्स में घटाया जा सकता, ये नहीं, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 37 का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 है कि संघर्ष के सकारात्मक आयामों में किसने ध्यान दिया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट के जो पॉजिटिव उसके डायमेंशंस हैं उस पर किसने ध्यान दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, कोजर, डेरेंडॉर्फ, कॉलिंस या जिमेल या सिमेल, तो ये बात कोजर का है, कोजर जो है संघर्ष के सकारात्मक संघर्ष सिद्धांत का है। प्रश्न नंबर 39 से नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन स्टेटमेंट है और दूसरा कथन रीजन है। कथन पढ़ते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है। कारण है, एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता है बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है, एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता है बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है। बिल्कुल, जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक कोई अर्थ नहीं होता, सही है। कथन देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाले सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि जो कथन कहा गया है कारण भी उसी रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसके इसका ऑप्शन होना चाहिए ए आर, दोनों सत्य तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। तो ऐतिहासिक तुलनात्मक जो पश्चिमी समाज, ध्यान देना है आपको कि पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एलएच मॉर्गन और टी बेवलन। तो ये पश्चिमी यूरोपीय समाज का जो अध्ययन ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया वो किया मैक्स वेबर ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, शास्त्रीय समाज शास्त्रियों क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट में किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, परिमाणात्मक ये है क्वांटिटेटिव मेथड इन कॉम्परेटिव एनालिसिस, ये जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कांट। तो जो शास्त्रीय समाज शास्त्रियों में है उसमें तुलनात्मक विधि से जो अध्ययन करने का है, ठीक है,
तुलनात्मक विधि से वो करते हैं दुर्खीम, दुर्खीम जो है वो तुलनात्मक विधि से अध्ययन करते हैं अपरमार्थ। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, दुर्खीम। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने समाज शास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार दिया है। ठीक है, समाज शास्त्र, समाज का प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ऑप्शन आपके सामने है, बी मेलनोवस्की, टालकट पार्सन्स, क्लाउड लेवी स्ट्रास, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो नेचुरल जो ये नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं वो रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। ये ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं कि किसने यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है, स्ट्रक्चर एक विधि है ना कि यथार्थ। संरचना को एक विधि माना है, एक मेथड। ऑप्शन आपके सामने है, क्लाउड लेवी स्ट्रास, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नाडल और टालकट पार्सन्स। तो संरचना को जो एक विधि माना है जिस विद्वान ने, वो है क्लाउड लेवी स्ट्रास। 44 है, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है। इन्होंने अमेरिकी समाज में जो है सबसे पहले सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपके सामने है, मेलनोवस्की, डब्ल्यू एफ व्हाइट, डब्ल्यू जे गुडे, पी एफ हार्ट। तो सहभागी अवलोकन का प्रयोग तो मेलनोवस्की ने किया था सबसे पहले, ठीक है, लेकिन अमेरिकी समाज, अमेरिकी समाज की बात अगर करते हैं तो अमेरिकी समाज में सबसे पहले डब्ल्यू एफ व्हाइट, ठीक है, डब्ल्यू एफ व्हाइट हो जाएंगे, इन्होंने किया था अमेरिकी समाज में। संभवतः मुझे जहाँ तक याद रहा है स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात, स्ट्रीट चिल्ड्रन का अध्ययन इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं कि किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यतः आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, ये कौन सी जो है शोध प्ररचना है, रिसर्च डिजाइन है, जिसमें परिकल्पना आवश्यक नहीं होती, अनिवार्य रूप से बिना परिकल्पना के भी काम चल जाता है। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है, जीडीसी में भी पूछा जा सकता है, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, निदानात्मक या अन्वेषणात्मक। तो जो ये एक्सप्लोरेटरी होता है जिसको अन्वेषणात्मक कहते हैं, इसमें जो है परिकल्पना अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, एकल अध्ययन, केस स्टडी में सम्मिलित है, एकल अध्ययन में सम्मिलित हैं परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, उपर्युक्त सभी। तो ये जो एकल केस स्टडी होता है, इसमें जो है वो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो एकल अध्ययन में ये दोनों बात सम्मिलित हैं। और ये जो आंसर है ये यूजीसी द्वारा है, ठीक है, इसलिए इसमें संशय नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। इंग्लिश वर्जन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स इनटू अकाउंट क्वांटिटी ऑफ ए पोजीशन इन द एरे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स इनटू अकाउंट, क्वांटिटी के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है, क्वांटिटी उसकी संख्या के आधार पर, माध्य, बहुलक, माध्यिका, उपर्युक्त सभी, नहीं, क्वांटिटी के आधार पर केवल बहुलक का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 48 है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे, किसने सबसे पहले किया था। ऑप्शन है, चार्ल्स बूथ, पी एफ लार्जसफेल्ड, आर के मर्टन, डब्ल्यू जे गुडे। तो ये चार्ल्स बूथ ने सर्वेक्षण शोध का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 49 है, सूची है, सूची का मिलान करना है। देखते हैं, गुणात्मक चर, परिमाणात्मक चर, बारंबारता वितरण और संभावना प्रायिकता, इधर है सारणीयन, निदर्शन, विशेषताएं, चर परिमाण और विचलन। तो गुणात्मक चर
और परिमाणात्मक चरण, ठीक है, बारंबारता वितरण और संभावना प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है ये निदर्शन का है। गुणात्मक चर जो है वो विशेषताएं, किसी का गुण बताती हैं, तो ये विशेषताएं में जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से बारंबारता वितरण जो भी हम टेबुलेशन एक तरीके से करते हैं तो ये सारणीयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर देखते हैं कि ए का थ्री, अच्छा परिमाणात्मक चर चला जाएगा चर परिणाम में, तो ए का थ्री बी का फोर किसमें है, ए का थ्री और बी का फोर। अगला और आगे देखते हैं सी का वन और डी का दो निदर्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, यह भी सूची है, सूची का मिलान करना है, अवधारणा दी गई है, इधर लेखक दिए गए हैं, देखते हैं कि इधर सहभागी अवलोकन, विषय वस्तु विश्लेषण, अनुमानिक इतिहास, शोध डिजाइन, और यहाँ है जहोदा, चार्ल्स बूथ, मेल लिवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और मल्टन, ठीक है। इधर अवधारणाएं 4 दी गई हैं और लेखक 5 दिए गए हैं, अब आपको मिलान करना है। तो सहभागी अवलोकन अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये मैंने बताया था यहाँ मेल लिवस्की ने सबसे पहले किया था, तो ए का थ्री सहभागी अवलोकन में मेल लिवस्की आ जाएंगे, और विषय वस्तु विश्लेषण जो कंटेंट एनालिसिस किया था वो सबसे पहले मल्टन ने किया था। अब शोध डिजाइन रिसर्च डिजाइन जो बात है वो जहोदा सेल्टी जहोदा इन्होंने रिसर्च डिजाइन दिया हुआ है, और अनुमानिक इतिहास रेडक्लिफ ब्राउन का है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सहभागी अवलोकन मेल लिवस्की, विषय वस्तु विश्लेषण जो है वो मल्टन, और अनुमानिक इतिहास रेडक्लिफ ब्राउन, और शोध डिजाइन जो है वो जहोदा। इस प्रकार से ये हमारा जो है वो UGC नेट का दिसंबर 10 का जो है पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा साहस मिले और प्रेरणा मिले आप लोगों के लिए नए नए वीडियो मैं बना सकूँ। अगले वीडियो बनाने तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।